उठो चराग उठाओ के आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। शांति, प्रिया को खसरा हुआ है, इसे जो ये बुखार है, नाक बह रही है और ये इसके शरीर पे लाल दाने देख रही हो, ये सब खसरे के लक्षण है। पर बहन जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को खसरा? हाँ शांति, शांति तुमने प्रिया को खसरे का टीका नहीं लगवाया था? अब याद नहीं बहन जी, आप तो जानती हैं कितनी मुश्किलें रहती हैं। और फिर मुझे लगा कि शायद ये टीका लगवाना जरूरी भी नहीं। मुझे क्या पता था बहन जी कि मेरी बेटी को खसरा हो जाएगा। शांति, तुम्हारे पास प्रिया का टीकाकरण कार्ड होगा ना? कार्ड तो बहन जी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। शांति, ये कार्ड तो बहुत जरूरी होता है, इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। टीकाकरण कार्ड हमें ये याद रखने में मदद करता है कि कब और कौन सा टीका बच्चों को लगना चाहिए, यानी कि सही टीका सही समय पर। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, पर अब तो मुझसे गलती हो गई। शांति, अब जो हो गया सो हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम प्रिया को आराम करने दो। मैं बुखार उतारने की दवाई दे देती हूँ। लो, ये दवा की शीशी रख लो, जब इसे तेज बुखार हो एक चम्मच वैसे ही दे देना जैसे मैंने दी थी। और ये विटामिन ए की एक खुराक मैंने इसे अब दे दी है, और दूसरी खुराक के लिए आपको कल उप स्वास्थ्य केंद्र आना होगा। और मैं प्रिया का नया टीकाकरण कार्ड भी बना देती हूँ, और अब इसे संभाल कर रखना, ठीक है? जी बहन जी, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी बहन जी, बस भगवान प्रिया को जल्दी से ठीक कर दे। क्यों रे मुंशी, अपने ब्याह का हिसाब कर रहा क्या? नहीं मंगत भैया, अब आपके क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। क्या बकरा बे? सब समझ कर भी अनजान बनना चाहते हैं तो बनो मंगत भैया, पर आप तो जानते ही हैं कि धीरे धीरे हमारे सारे धंधों पर ये मोटे मोटे ताले जड़े जा रहे हैं, ये मोटे मोटे। अब तो हमारे राशन वाला काम भी। मुंह बंद कर मुंशी। दीवारों के भी कान होते हैं, वो काम बंद हो गया तो क्या हुआ, कोई नया काम मिल जाएगा। देखने वाले की आंखें और पकड़ने वाले के हाथ होने चाहिए, समझा? बहुत सारी आंखें और ढेर सारे हाथ पकड़ने के लिए, अब तो पहले ही बड़े घर में जमा हो चुके हैं मंगत भैया। मुंशी, तू कहीं वो नर्स बहन जी के परिवार की बात तो नहीं कर रहा है? हाथ चले या ना चले,
दिमाग अभी भी चल रहा है मंगत भैया। मुंशी, मेरा हाथ नहीं चल रहा है तभी तो तेरी जुबान चल रही है। खूब समझता हूं मैं ये वसीयत का चक्कर, बड़े घर के सिक्कों की खनक शहरी कानों को भी लग गई लगता है। मगर वो वसीयत तो हमें हर हाल में चाहिए। तो थाली सजा के आरती क्यों गा रही है बहना? वसीयत ढूंढ, वसीयत कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दरबारी बने रह जाएं और माल कोई और ले जाए। हाँ, वैसे भी आजकल शनि की साढ़े साती चल रही है मंगल भैया पे। अरे मेरा मतलब था वो समय सही नहीं चल रहा है ना, आप भी बात में बात पे ताव खा जाते हो मंगल भैया। मुंशी, वक्त मंगत की जूती की आवाज सुनकर के उठता बैठता है। समझा? मैना, अब तू अपनी बीन बजा और किसी भी हालत में मुझे वो वसीयत लाके दे, बस। चलो अच्छा है, तुम सब लोगों ने दोबारा आंगनवाड़ी आना शुरू जो किया। चमेली, तुम आज अपने बेटे को नहीं लाई? वो बहन जी, वो अरे ये खुद ही आ गई, यही बहुत है। भला जानबूझकर कोई अपने बच्चे को खतरे के मुंह में क्यों डालेगा? हाँ, क्या मतलब भाभी? अरे मतलब तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि वो कैसी है। वो कौन? लो, अब बहन जी पूछ रही है वो कौन। अरे वही जो बीमारियों का टोकरा है टोकरा, और जिसे न जाने तुम कहां से उठा लाई हो। कहना क्या चाहती हैं आप? अरे दुनिया जानती है खसरा है उसे खसरा, और तुमने उसे अपने घर में रख लिया ताकि ये बीमारी सारे गांव को हो जाए। अरे सुना है कई बच्चों को तो ये हो भी गई है। हाँ बस भाभी, बहुत हो गया, बहुत बातें सुन ली मैंने आपकी। अब अगर उस बच्ची के खिलाफ आपने एक लफ्ज और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, सच्ची बात ज्यादा जोर से लगी क्या बहन जी? ये सच नहीं है। तो सच क्या है बहन जी? गांव में खसरा तो फैल ही रहा है ना, और वो भी उस छोरी के आने के बाद। हाँ मुझे पता है, गांव में खसरा फैल रहा है। नर्स बहन जी ने बताया था कि दो बच्चों को खसरा पहले से ही हो चुका था। तो ये भी हो सकता है ना कि उस बच्ची को खसरा हमारे गांव से हुआ हो। अरे बहन जी, अब ये दो दुनी चार गाकर हमें बहकाओ मत। अरे हम सब जानती हैं कि इस बीमारी की जड़ वो छोरी ही है। हाँ नहीं, मुझे पता है गांव में खसरा फैल रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को सही उम्र में खसरे का टीका नहीं लगवाया। अरे तुम लोग बांकी को कैसे भूल सकते हो? क्या कसूर था उस बच्चे का? कसूर हमारा था, उस बच्चे को भी टीका नहीं लगा था। हाँ, टेटनेस का टीका, जिसकी वजह से वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। आज भी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को पूरे टीके लगवाने चाहिए।
गांव में जिन बच्चों को खसरा हो रहा है उन्हें भी तो खसरे का टीका नहीं लगाना सही उम्र में। बहन जी, ये टीके बच्चों को कब लगवाने चाहिए? 9 महीने का होते ही हर बच्चे को खसरे का टीका लगवाना चाहिए। यही तरीका है अपने बच्चे को खसरे से बचाने का। अब टीका ही नहीं लगा होगा तो खतरा तो है ही ना। चलो बहन जी चलो, तुम्हारी ही बात मान ली, लेकिन ये तो बताओ कि अगर बच्चों को गांव में खसरे का टीका नहीं लग रहा तो इसमें गलती किसकी है? हाँ, अरे तुम बहन जियों की जो फौज गांव में है वो कर क्या रही है फिर बताओ? कमला, इस टोले में खसरे के कई केस हैं। हाँ बहन जी, और कारण वही, लोगों ने अपने बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगवाया है। जानती हूँ कमला, पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि गांव के हर बच्चे का सही और पूरा टीकाकरण हो ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, मगर गांव इतना बड़ा है और हम लोग सिर्फ 3, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम सभी घरों तक नहीं पहुंच पाते, और अगर कैंप लगाते हैं तो सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर कैंप में नहीं आते। अब इस समस्या का हल भी हमें ही ढूंढना होगा कमला। मुझे लगता है 4 महीने पर टीका लगने के बाद माँ बाप को लगता है कि टीकाकरण पूरा हो गया, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग 9 महीने पर लगने वाले खसरे के टीके को याद नहीं रखते। वही तो मैं भी कह रही हूँ बहन जी, अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण कैंप या उप स्वास्थ्य केंद्र में आए, बच्चों का टीकाकरण कार्ड बना हो तो बस फिर माँ बाप को उस कार्ड के हिसाब से ही बच्चों को टीके लगवाने होंगे। अब कुछ लोग तो अपना कार्ड भी संभाल कर नहीं रखते। शांति को ही ले लो, अगर प्रिया का कार्ड होता तो उसे टीका लग चुका होता और उस बेचारी बच्ची को खसरा भी नहीं होता। कमला, हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे सभी माँ बाप समझे कि 9 के अंक को याद रखना बड़ा ही आसान है। जैसे 9 महीने तक बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है और 9वें महीने में ही खसरे का टीका लगता है।